हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के टॉप 4 स्टॉक ब्रोकर्स को। देखिए, जब भी हमें अपना एक नया डीमैट खाता खोलना होता है तो हमारे मन में वाजिब से ख्याल आते हैं कि कौन सा वो स्टॉक ब्रोकर है जिसके अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, AMC चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस सबसे कम है। इसके साथ साथ कौन सा वो ब्रोकर है जिसके अगेंस्ट सबसे कम कंप्लेन दर्ज है, किसका यूजर इंटरफेस ज़्यादा बढ़िया है। तो वीडियो के अंदर हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को कंपेयर करके देखेंगे कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है 2024-25 के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव यूजर्स के दम पे इंडिया के जो टॉप 4 ब्रोकर्स है वो है ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक। ग्रो नंबर वन पे आता है क्योंकि इसके पास 1,18,00,000 एक्टिव यूजर्स हैं। नंबर दो पे आता है जीरोधा जिसके पास करीबन 78,00,000 एक्टिव यूजर्स हैं। नंबर तीन पे आता है एंजल वन जिसके पास करीबन 71,00,000 एक्टिव यूजर्स हैं। और सबसे लास्ट में आता है चौथे नंबर पे अपस्टॉक जिसके पास करीबन 28,00,000 एक्टिव यूजर्स हैं। अब इन चारों ही ब्रोकर्स को हम वन बाय वन सारे पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक को इम्पॉर्टेंट फीचर्स, चार्जेस एंड ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर की, तो ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक डिस्काउंट ब्रोकर है जबकि एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। अब कई ज्यादा लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि ये फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में अंतर क्या है। तो देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे चार्जेस जो हैं काफी कम रखे जाते हैं जबकि फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर चार्जेस ज्यादा होते हैं। लेकिन एंजल वन बिल्कुल डिस्काउंट ब्रोकर की तरह ही काम करता है एक फुल सर्विस ब्रोकर होने के बाद भी, और फुल सर्विस ब्रोकर में आप लोगों को एडवाइजरी जैसी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग फीस की, तो अगर आपने किसी पुरानी वीडियो को देखा होगा इन ब्रोकर्स को कंपेयर करने वाले, तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग फीस लगते थे, पहले लगते थे। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम पे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक कोई भी आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं ले रहा। अब ऐसा नहीं है कि अभी नहीं ले रहा है तो कभी नहीं लेगा, लेकिन जब ये वीडियो शूट हो रहा है अभी के टाइम पे तो कोई भी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं AMC चार्जेस की, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। तो ग्रो आपसे AMC चार्जेस के रूप में 0 रुपीज लेता है जबकि जीरोधा आपसे 300+18% GST, इतना पैसा आपसे हर साल लेगा। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक BFD, एक नॉन BFD अकाउंट। BFD अकाउंट का मतलब कि अगर आपका अकाउंट सिर्फ जीरोधा के साथ में है तब आपकी होल्डिंग अगर 4,00,000 तक रहती है तो आपको कोई AMC नहीं पे करना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट जीरोधा के अलावा किसी और ब्रोकर के साथ भी है तो आप लोगों का अकाउंट नॉन BFD अकाउंट होगा, और इस केस में आप लोगों को, अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो आप लोगों को 300+18% GST एज ए AMC देना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एंजल वन की, तो एंजल वन में पहले साल तो आपसे कोई यहाँ पे AMC चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर से आप लोगों को ₹20+GST पर मंथ पे करना पड़ेगा एज AMC चार्जेस। इसके बाद अगर हम बात करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक के अंदर ₹150+18% GST पर एनुअल का यहाँ पे AMC चार्ज लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मार्जिन फंडिंग का या फिर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का, तो यहाँ पे ग्रो के अंदर आप लोगों को ये फीचर नहीं मिलेगा, जीरोधा के अंदर भी ये फीचर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एंजल वन और अपस्टॉक के अंदर आप लोगों को मार्जिन फंडिंग का फैसिलिटी मिलेगा। अभी मार्जिन फंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, अगर देखिए आपके पास कभी ₹100 है और आप चाहते हैं कोई शेयर खरीदना ₹500 की वैल्यू का, तो आपका ब्रोकर जो है वो आप लोगों को लोन पे पैसे दे देता है 4 times 5 times कभी कभी, और उस फंड को आप लोग यूज करके उस शेयर को खरीद सकते हो साल, 2 साल, 6 साल के लिए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो भी पैसा आपका ब्रोकर आपको पे करता है शेयर बाई करने के लिए। एंड इसके बाद बात करें अगर फ्री ट्रेडिंग कॉल्स की, तो देखिए यहाँ पे ग्रो आप लोगों को फ्री ट्रेडिंग कॉल्स नहीं देता, जीरोधा भी आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स नहीं देता, लेकिन एंजल वन की बात करें क्योंकि ये फुल सर्विस ब्रोकर है तो यही इस चीज़ का फायदा मिलता है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग कॉल्स भी देखने को मिलती हैं जबकि अपस्टॉक के अंदर आप लोगों को कोई ट्रेडिंग कॉल्स देखने को नहीं मिलता। अब आ गया है इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट जिसके लिए ज़्यादातर लोग वीडियो पे आए होंगे।
अब हम बात करने वाले हैं इन चारों ही ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज की। तो ग्रो में ये 20 रुपया या फिर 0.05% लगता है, इनमें से जो भी कम रहेगा वो चार्जेस अप्लाई होंगे। जीरोधा के अंदर इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 0 रुपीज आपसे लिया जाता है। एंजल वन के अंदर भी इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 0 लगता है, लेकिन अपस्टॉक के अंदर ये 20 रुपया या फिर 2.5% इनमें से जो भी कम हो वो लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंट्राडे इक्विटी ब्रोकरेज की, तो यहाँ पे ग्रो के अंदर 20 रुपीज या फिर 0.05% टोटल टर्नओवर का इनमें से जो भी कम हो वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। जीरोधा के अंदर 20 रुपीज या फिर 0.03% टोटल टर्नओवर का इनमें से जो भी कम होगा वो अप्लाई होगा। एंजल वन के अंदर 20 रुपीज या फिर 0.25% टोटल टर्नओवर का इनमें से जो भी कम होगा वो अप्लाई होगा। स्टॉक में भी 20 रुपया या फिर 0.05% टोटल टर्नओवर का इनमें से जो भी कम होगा वो अप्लाई होगा। अगर हम बात करें FNO या फिर कमोडिटी के ऊपर जो ब्रोकरेज लगता है, तो ग्रो के अंदर ये फ्लैट 20 रुपीज रहेगा ऑप्शंस के अंदर, और कमोडिटी ग्रो के अंदर अभी तक यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, यानी कि आप कमोडिटी में ग्रो के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, तो कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जीरोधा की FNO एंड कमोडिटी के अंदर, तो 20 रुपीज या फिर 0.03% टोटल टर्नओवर का इनमें से जो भी कम होगा वो आपके ऊपर FNO में लगेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऊपर फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे लगने वाला है। एंजल वन के अंदर 20 रुपीज या फिर 0.25% टोटल टर्नओवर का यहाँ पे आपके ऊपर लगेगा, इनमें से जो भी कम रहेगा वो लगेगा। एंड अपस्टॉक की बात करें तो यहाँ पे भी 20 रुपीज या फिर 0.05% टोटल टर्नओवर का जो भी कम रहेगा वो लगेगा, लेकिन ऑप्शंस के अंदर अपस्टॉक में भी फ्लैट 20 रुपीज का पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का यहाँ पे ब्रोकरेज लगता है। तो मैं जब भी ये कह रहा हूँ कि इनमें से जो कम रहेगा, यानी कि आपके टर्नओवर को देखा जाएगा, अगर 0.5% या फिर 0.3% जो भी यहाँ पे इन्होंने रखा है सभी ब्रोकर्स ने, अगर वो वैल्यू कम रहती है 20 रुपये से तो वही अप्लाई होगा, वरना अगर वो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो 20 रुपये से ऊपर ये बढ़ने वाला नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट चार्जेस की, क्योंकि ये चार्जेस भी आपको जानना ज़रूरी है, ये है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई ट्रेड लिया और उसको हम इंट्राडे का हमने ट्रेड लिया और उसको हमने क्या किया 3:15 या फिर 20 मिनट से पहले उससे एग्जिट हम नहीं हुए, तो क्या होता है ब्रोकर उसको अपने बिहाफ पे उसको सेल करता है और आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाता है। ज़्यादातर ब्रोकर ये 50 रुपया प्लस GST ही लेते हैं, जैसे कि हम बात करें ग्रो की, जीरोधा की या फिर अपस्टॉक की, तो ये लोग 50 रुपये प्लस GST लेते हैं पर पोजीशन पर ऑर्डर का, ठीक है। लेकिन एंजल वन यहाँ पे आपसे 20 रुपया प्लस GST पर पोजिशन ऑर्डर का यहाँ पे लेता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। तो गाइस इस वीडियो के लास्ट में हम देख लेते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में NSE के पास किस ब्रोकर की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई। तो देखिए ग्रो के पास सबसे ज़्यादा 1,18,00,000 एक्टिव क्लाइंट्स है, जिसके लिए उनको लगभग 265 लोगों ने कंप्लेन किया। जीरोधा का अगर हम देखें तो करीबन 78,00,000 एक्टिव क्लाइंट्स है, जिसके ऊपर उनको 84 कंप्लेंट्स मिले। अगर हम एंजल वन की बात करें तो करीबन 71,00,000 एक्टिव क्लाइंट्स है, जिसके ऊपर 191 कंप्लेंट्स मिली। अपस्टॉक के पास देखें तो 27,00,000 कस्टमर है, जिसपे उनको 95 यहाँ पे कंप्लेंट्स मिली। तो कंप्लेंट्स वाइज अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में या फिर नंबर्स में भी देखें तो सबसे कम कंप्लेंट्स यहाँ पे हमें जीरोधा के अगेंस्ट देखने को मिली है। वहीं हमने एक सर्वे भी कंडक्ट किया था और उसमें हमने पूछा था कि ज़्यादा कैपिटल से अगर हमें ट्रेड करना है या कम कैपिटल से भी मान लीजिए ट्रेड करना है तो कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे भी लगभग 60% लोगों ने, जो ऑलरेडी इन सारे ब्रोकर्स को यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने जीरोधा को चुना। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ब्रोकर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैंने चार्जेस, कंप्लेन एंड सर्वे सारा कुछ आपके सामने रख दिया है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन सभी ब्रोकर्स के लिंक, जो भी बेस्ट डीमेट अकाउंट रहता है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप सभी लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।